हाय गाइज तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पार्ट ऑफ सी 2020 प्रीवियस ईयर पेपर सो क्लास ट्वेल्थ का मैं सी 2020 का पेपर सॉल्व करवा रही थी एंड लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व कर लिया था क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन तक सो so, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन से ओके okay? सो so, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन जो कि थ्री मार्क्स का है एक्सप्लेन द चेंजेस दैट मिल्क अंडरगोज वेजिटेबल स्टार्टर और इनाक्यूलम इज एडेड टू इट हाउ डज द एंड प्रोडक्ट फॉर्म टू प्रूव टू बी द बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दही जमाने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं मिल्क के अंदर एंड सेकेंड जो कर्ड होता है वो ह्यूमन के लिए कैसे बेनिफिशियल है तो so, चलिए शुरू करते हैं सो so, बेटा जब जह, जहाँ पर दही जमाते हैं ना आप तो क्या होता है जब आप कर्ड जमाते हैं तो वहां पे इनोक्यूलम लिया जाता है इनोक्यूलम इनोक्यूलम को वो एक चम्मच दही को बोल सकते हैं आप या स्टार्टर बोल सकते हैं ओके सो so, वो कर्ड ही होता है और कुछ नहीं दही से ही दही जमेगा ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है सो so, इनोक्यूलम जब आप मिल्क के अंदर आपके पास ये कटोरा भर के दूध है एंड इस दूध के अंदर आपने क्या किया चम्मच भर के दही डाल दिया आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो चम्मच भर के दही था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है इंक्रीज होता जा रहा है यानी कि ये बढ़ता चला जाएगा और एक टाइम आएगा ये पूरा कवर मतलब पूरा जो मिल्क है वो पूरा कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो ऐसा क्यों हुआ सबसे पहले बात हम समझते हैं सो so बेसिकली यहाँ पर जो इनोकुलम होता है या वो एक कर्ड ही तो है और कर्ड के अंदर होता है एल ए बी लैक्टो पैसिलस बैक्टीरिया या फिर कह सकते हैं आप लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टो स जिसको नाम से जानते हैं आप अब ये करता क्या है ये मिल्क के अंदर रिप्रोड्यूस करता है यानी कि मिल्क को खाता है और उसको उसमें ही रिप्रोड्यूस करता है अपना नंबर इंक्रीज करता है तो एक सुटेबल टेम्परेचर पे जब आप दही को दूध में डालते हैं तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं एंड उनके ग्रोथ की वजह से क्या होता है पूरा का पूरा मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है क्यों क्योंकि फर्स्ट थिंग वो वहाँ पर जो प्रेजेंट होती है मिल्क शुगर लैक्टोज उसको फीड करते हैं उस पर फीड करते हैं एंड उसको फीड करने के बाद वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं पहली चीज एंड सेकेंड यहाँ पर जब ये चीज होती है तो प्रोटीन जो केसीन प्रोटीन है केसीन प्रोटीन को एगुलेट हो जाता है ओके पार्शल कोएगुलेशन भी हो जाता है यहाँ पर केसीन का जिससे कि कर्ड बन जाता है प्रॉपर अब बात करते हैं कि हमें फायदा क्या है तो सबसे पहली चीज लैक्टिक एसिड जो है वो आपके स्टमक के अंदर पाए जाने वाले इन्वेंट को एसिडिक बनाएगा सबसे पहली चीज सेकंड यहाँ पर जो लैक्टिक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो आपके गट बाकी सारे हार्मफुल गट बैक्टीरिया को हटा देता है यानी कि गट में जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको हटा देगा और क्या चीज़ होती है फायदेमंद और होता है कि ये विटामिन बी ट्वेल्व का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है ये विटामिन बी ट्वेल्व का प्रोडक्शन बढ़ा देता है कर्ड के अंदर तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जो कर्ड होता है वो बेनिफिशियल होता है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन एलियन स्पीशीज इन हैज बीन अ थ्रेट टू जस्टिफाई द हेल्प ऑफ दिल्ल्बल एग्जाम्पल लिस्ट एनी अदर थ्री कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ लॉस सो बेसिकली यहाँ पर एलियन स्पीशीज के बारे में पूछा जा रहा है एंड एलियन स्पीशीज़ क्या होते हैं एलियन स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होते हैं जो कि किसी भी एक ज्योग्राफिकल एरिया के नेटिव नहीं होते यानी कि वो वहाँ पर नेचुरली नहीं पाए जाते जैसे कि कैंग्रव इंडिया में नहीं पाए जाते तो अगर कैंगज़ को इंडिया में लेकर आएंगे आप तो वो एक नेटिव स्पीशीज़ नहीं होगी वो एक एलियन स्पीशीज़ होगी अब कभी कभी क्या होता है कई सारी एलियन स्पीशीज़ एक दूसरे जोग्रफिकल एरिया में जब आती हैं तो वो वहाँ के नेटिव स्पीशीज़ को नुकसान पहुँचाती हैं इसका बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है जो हर बार हम सुनते हैं वो है नाइल पर्च ये एक तरह की बड़ी सी मछली होती है जाइंट उसको लेकर आ गए थे कहाँ पर क्वीन विक्टोरिया सॉरी क्वीन विक्टोरिया नहीं लेक विक्टोरिया ठीक है सो लेक विक्टोरिया में क्या हुआ था कुछ ऐसी ऐसी फिशेस प्रेजेंट थी जिनको काइचाइल्ड फिशेस बोलते थे काइचल्ड फिशेस ठीक है काइचर्ड फिशेस क्या क्या थी वहाँ की नेटिव थी बहुत सारी वैरायटी प्रेजेंट थी लगभग 200 से ज़्यादा तरह की उनकी वैरायटी प्रेजेंट थी लेकिन जैसे ही वहाँ पर नाइल पर्च आई नाइल पर्च ने क्या किया उन काइचल फिशेस पे फीड करना स्टार्ट कर दिया और काचल फिश के पास कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म नहीं था क्योंकि वो उन काचल के साथ में नाइल पर्च के साथ में काचल इवोल्यूशन नहीं हुआ है तो वो उनके पास कोई डिफेंस मेकेनिज्म नहीं था और डिफेंस मैकेनिज्म नहीं था तो वो अपने आप को नहीं बचा पाती थी जिसकी वजह से क्या हुआ पूरी लेक विक्टोरिया के अंदर सिर्फ नाइल पर्च ही बची और बाकी सब खत्म हो गए सारी तरह की कैचल फिश खत्म हो गई अब आपसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिस्ट एनी अदर थ्री कॉजेस रिस्पांसिबल फॉर सच अ लॉस यहां पर किसी भी एलियन स्पीशीज के आने के बाद क्या-क्या होता है एग्जैक्टली exactly, तीन आपको लॉस बताने हैं ठीक है तो सबसे पहले हो जाता है हैबिटेट लॉस हैबिटेट लॉस ठीक है यानी कि कोई एक एलियन स्पीशीज आती है जो कि नेटिव नहीं होती तो वहाँ के नेटिव लोगों को हटा देगी गुंडागर्दी कह सकते हो आप इसको या फ्रेगमेंटेशन कह सकते हो फ्रेगमेंट में हो जाता है यानी कि जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा भैया ये तुम्हारा एरिया ये हमारा एरिया सेकेंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या ओवर एक्सप्लाइटेशन का मतलब है कि जब वहां पर ये नाइटर्स आने लगी तो वो उस पर ज्यादा ही फीड करने लगे कुछ वहां के रिसोर्स को भी यूज कर रही होगी जब भी, भी कोई एलियन स्पीशीज़ आती है तो वो वहीं के रिसोर्स को यूज करेगी अब वहां के रिसोर्स का ओवर एक्सप्लाइटेशन की वजह से रिसोर्स पर डिपेंड होने वाले ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाते हैं थोड़े से परेशान हो जाएंगे ठीक है नेक्स्ट को एक्सिस्टेंसरी को एक्सटेंशन को एक्सटेंक्शन का मतलब है अब जैसे काचल फिश एक्सटिंक्ट हो गई तो काइचल पे डिपेंड होने वाली कोई दूसरी वेराइटी भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी समझ गए तो ये आप रीजन में लिस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्टडी द टेबल गिव इन ब्लो आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई एफ सो बेसिकली यहाँ पे क्रॉप वेराइटी रेजिस्टेंट टू डिसीज की बात हो रही है ठीक है जी तो यहाँ पे ऑप्शन आपको ए बी सी डी ई एफ में भरने हैं इस टाइप के ये वाला जो चैप्टर है आपका स्ट्रेटजीज ऑफ़ फूड इन्हांसमेंट एंड टेक्नोलॉजी है एंड वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं सो इफ़ यू वांट कि मैं इन सारे एग्जांपल्स का ट्रिक का एक वीडियो बनाऊं जिससे कि आपको ये याद हो जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए जिससे मैं वो वाला वीडियो बनाऊँगी अदरवाइज़ हम इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आएगा सो यहाँ पर पूसा सादा सदाबहार का पूछा जा रहा है तो पूसा सदाबहार जो है वो चिली की वैरायटी है किसकी वैरायटी है चिली की एंड पूजा सदाबहार किसकी रेजिस्टेंट है लीव कर्ल डिसीज की रेजिस्टेंट है ओके सो यहाँ पे लीफ कर्ल आ जाएगा ओके okay? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सी ये हो जाएगा हमारा ए ये हो जाएगा सी सी की जगह पे क्या आएगा ब्रैसिका 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 वाइटरस जो है वो ब्रैसिका की डिसीज है एंड इसके बाद डी की जगह पे आएगा बेटा डी की जगह पे आएगा पूसा करना पूसा करना ओके okay, सो so ये है आपकी वाइट रस्ट डिसीज इसके बाद ई e की जगह पे आएगा हिमगिरी हिमगिरी बहुत कॉमनली पूछा जाता है जो कि वीट की वेराइटी है एंड एफ यानी कि डिसीज किससे रेजिस्टेंट है ये ये लीव रस्ट से रेजिस्टेंट है तो अगर आपको ये याद करने में दिक्कत होती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता के ये बताएं कि आपको इनके ट्रिक्स चाहिए तो मैं इसके ऊपर एक बहुत यूजफुल वीडियो बना सकती हूँ इसी के ही और में एक क्वेश्चन था व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग एक्सप्लेन टू स्टेप इन्वॉल्विंग इन क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग सो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर हमसे तो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना होगा कि प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है ओके प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है प्लांट ब्रीडिंग होता है पर्पज मैनिपुलेशन यानी कि आप ब्रीडिंग करवा क्यों रहे हो अपने फायदे के लिए ह्यूमन अपने फायदा ही देखता है ना? है ना मोस्ट सेल्फिश एनिमल तो अब बात करते हैं यहां पर होता क्या है परपजफुलपज फुल मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज क्या होगा पर्पजफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज ठीक है पर्पजफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज जब आप जानबूझकर किसी प्लांट स्पीशीज को चेंज करते हो अपने फायदे के लिए तो उसको प्लांट ब्रीडिंग कहा जाता है अब क्यों करते हैं अपना फायदा क्या है यहाँ पर एक सबसे पहली बात कि बेटर ईल्ड जनरेट करने के लिए एंड सेकेंड रिस रेजिस्टेंस प्लांट बनाने के लिए डिस रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें और क्या पूछा गया है एक्सप्लेन टू स्टेप इन्वॉल्विंग इन द क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग तो बड़ा सिंपल है टू स्टेप कौन से हैं टू स्टेप इन क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग पहला है जब किसी को नॉलेज नहीं थी ना जेनेटिक्स वगैरह की तो वो लोग क्या करते थे वो लोग सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को देख कर और ये अंदाज़ा लगा देते थे जो उनको चाहिए वो बेस्ट है ठीक है तो टॉल प्लांट चाहिए तो वो बेस्ट है सो so आप और एक छोटा प्लांट है जिसके पास फ्रूट्स ज़्यादा आते हैं तो वो सोचता था कि अगर मैं टॉल को ज़्यादा फ्रूट वाले से क्रॉस करा दूंगा तो उनके बच्चे टॉल एंड ज्यादा फ्रूट वाले पैदा होंगे है ना तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करते थे वो क्रॉस करा देते थे प्योर लाइंस का तो क्रॉसिंग पहला स्टेप होता था क्रॉसिंग ऑफ प्योर लाइन ओके एंड सेकेंड चीज होती थी सेकेंड क्या करेंगे आप पहले क्रॉसिंग करा दी अब उनसे बनने वाले जितने भी सीड होंगे उन सबको शो कर दिया अब जो आपको उनमें से अच्छा लगा कि आपके डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक वाला है उसको आपने पिक करके और उसको आगे बढ़ा दिया यानी कि उसकी रिप्रोडक्शन फिर से करा दी तो इसको बोलते हैं आप आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल सेलेक्शन टू प्रोड्यूस डिजायरेबल ट्रेट टू प्रोड्यूस डिजायरेबल ट्रेड ओके सो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू प्रोड्यूस डिजायरेबल ट्रेट सो so बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में ऐसे ही लिखना है इसके बाद आप इंग्लिश अच्छे से आती है तो इंग्लिश में लिखो हिंदी आती है तो हिंदी में लिखो जैसे भी लिखना है जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझा देती हूँ एंड बता देती हूँ कि एटलीस्ट ये तो इन्वॉल्व होना ही चाहिए आपके आंसर में सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर नाइनटीन जो कि है

कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए तो सपोज करो मैंने दो डीएनए ले लिया मैंने कलर कोडिंग कर दी यहाँ पर कि एक मेरा व्हाइट डीएनए है और एक मेरा येलो डीएनए बनाऊंगी मैं ठीक है जी सो so ये जी ए ए टी टी सी इसका मतलब मैं अभी आपको बताऊंगी जी ए ए टी टी सी सेम दूसरा वाला होगा येलो डीएनए इसके पास भी सेम सीक्वेंस जी ए ए C A A T T -E C ओके, okay? सो so, यहाँ पर ये आपका ए डी एन एंड ये बी डी एन ए दो डी एन ए पार्ट हो गए अब आप एंजाइम कौन सा यूज कर रहे हो इको आर वन इको आर वन क्या है रिकॉमनेट डीएनए बनाता है कौन है ये ये है रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस ओके रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस क्या करते हैं डीएनए के फ्रेगमेंट को तोड़ते हैं कहां तोड़ेंगे तो इको आर्बन बेटा एंडो का एक पर्टिकुलर साइट होता है जैसे कि अगर इको आर्बन है वो तो जी और ए के बीच में कट करेगा ओके जहां जहां जी और ए प्रेजेंट होगा वहां कट करेगा सो so, बेसिकली यहां पे और नेक्स्ट क्या होता है रेस्ट्रिक्शन एंडो ओ जो एंजाइम होते हैं वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे ही कट करते हैं तो इनको एक ऐसा सीक्वेंस चाहिए होता है जो कि उल्टा सीधा एक समान हो तो ये देखो अगर ये फाइव प्राइम है ये थ्री प्राइम है ये फाइव प्राइम है ये थ्री प्राइम है तो अगर यहाँ से देखोगे और यहाँ से देखोगे तो ये सीक्वेंस बिल्कुल सेम है सेम इसके केस में यहाँ से देखोगे फाइव प्राइम है ये थ्री प्राइम है दिस वन इज़ थ्री प्राइम एंड दिस वन इज़ फाइव प्राइम सो यहाँ से देखोगे तो ये वाला सीक्वेंस बिल्कुल सेम है तो कुछ इस टाइप के सीक्वेंसेस चाहिए होते हैं जो कि उल्टे सीधे दोनों एक समान हो तभी ये काम करेगा और इसको एक पर्टिकुलर साइड चाहिए होती है जो कि यहां पर क्या है जी ए है ठीक है तो ये गुनाइन एंड एडी के बीच में कट करेगा क्लियर तो जब कट कर देगा यानी कि यहां कट करेगा और नीचे ये भी तो जी ए है यहां कट करेगा कहाँ कट करेगा एक कट करेगा यहां पे और दूसरा कट करेगा यहां ओके okay, तो ये इतना फ्रेगमेंट निकल जाएगा और यहाँ से इतना फ्रेगमेंट निकल जाएगा तो उसके बाद जब ये फ्रेगमेंट निकल जाएगा तो क्या बनेगा देखते हैं सो तो यहाँ पर ये वाला जो डीएनए है मेरा तो इसमें जी ये ट्रिपल बॉन्ड सी रह जाएगा और टी टी ए, ए रह जाएगा समझ आया इसके बाद ये हो जाएगा आपका फाइव प्राइम ये हो जाएगा आपका थ्री प्राइम ये हो जाएगा आपका फाइव प्राइम एंड ये हो जाएगा आपका थ्री प्राइम ये वाला सेगमेंट कहाँ गया ये वाला सेगमेंट निकल गया अलग से निकल गया ठीक है तोड़ दिया ना उसने यहाँ से कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर फोस्फोडाइसटा बॉन्ड टूटेगा याद रखेंगे ओके सो टूटने के बाद येलो वाला डी भी कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको ए ए सी पे जी ये ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ से पूरा ये सेगमेंट गायब ठीक है जी यहाँ से पूरे सेगमेंट छू हो गया सो so, ये आपका फाइव प्राइम ये आपका थ्री प्राइम अब देख रहे हो ये कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के डबल ए टी और नीचे डबल टी ए यानी कि ए टी से अटैच हो सकता है ये दूसरे से अटैच हो सकते हैं सो so, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा नेक्स्ट स्टेप में ये वाइट वाला डीएनए और येलो वाला डी एन ए ये जी है ओके टी, टी, एंड ए, 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 ये जो येलो वाला डी एन ए है येलो वाला डीएनए इससे अटैच हो जाएगा ये अटैच हो गया सी ट्रिपल बॉन्ड जी और ये आपका अटैच हो गया क्लियर है तो ये यहाँ पर इसकी पुलरिटी कभी भी लिखना ना भूले तो यहाँ पर ये अटैच हुआ है तो देखो आधा येलो और आधा वाइट वाला डीएनए है तो इसको आप आर डीएनए बोलते हैं अच्छा डीएनए को जोड़ेगा कौन लाइगेज जोड़ेगा ओके यहाँ पर डी को कट किस किया? किसने किया रेस्ट्रिक्शन एंडो R1. तो आप इस तरीके से तीन स्टेप में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो चाहे लैंग्वेज लिख दो या फिर ऐसा लेबल डायग्राम बना दो बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन सो so, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ने एनी टू नेचुरल क्लोनिंग वैक्टर्स गिव रीजन दैट मेक्स दैम एक्ट ए क्लोनिंग टू दैट स्टेक्स एंटीन्यूटर्स आर मेड टू पर सो so बेसिकली यहाँ पर किसकी पूछी जा रही है आपको पूछा जा रहा है बेसिकली यहाँ क्लोनिंग वैक्टर तो सबसे पहले कोई भी आपका कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो उसमें आपको सबसे पहले क्या एक्सप्लेन करना चाहिए उसकी डेफिनेशन हमेशा अगर तीन नंबर का क्वेश्चन है पाँच नंबर का क्वेश्चन है तो उसका जो मेन बेसिक है ना उसको आप एक्सप्लेन करो सबसे पहले उसको लिखो ठीक है आपने लिखा वॉट आर क्लोनिंग वैक्टर्स क्लोनिंग वैक्टर्स आर द मॉलिक्यूल्स और द स्ट्रक्चर्स जो कि आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को कहाँ लेके जाते हैं होस्ट में लेके जाते हैं ठीक है जी और उनको वहाँ पे कॉपी कराएंगे और खिलाएंगे पिलाएंगे मतलब कि देखभाल करेंगे यानी कि क्या कर रहे हो आप कि आप जी आई को किसके भरोसे भेज रहे हो होस्ट के पास वैक्टर के भरोसे तो so ये इनको बोलते हैं आप क्लोनिंग वैक्टर क्लोनिंग नाम डला हुआ है दैट मीन्स ये मल्टीपल कॉपीज भी बनाएगा सो so, चलिए अब देखते हैं दो क्लोनिंग वैक्टर के एग्जाम्पल पूछे हैं तो एक मोस्ट कॉमन हो जाता है प्लाज्मेट जो मोस्ट कॉमन वैक्टर है इसके बाद हो जाता है बैक्टीरियो फेज ओके क्या हो जाएगा बैक्टीरियो फेज सो यहाँ पर प्लाज्मेट एंड बैक्टीरियो फेज हो जाएगा अब बात करते हैं पूछा है सेकंड क्वेश्चन गिव रीज़न दैट मेक्स दैम एक्ट एज क्लोनिंग वेक्टर रीजन क्या क्या है भाई रीजन ये है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है ये सेल्फ रेप्लीकेटिंग है अगर ये सेल्फ रेप्लीकेटिंग है तो फायदा क्या है मुझे फायदा ये है कि जब मैं अपना जियो इसके साथ में अटैच करूंगी जियो मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट तो जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी कि वो जीन जो आप नए ऑर्गेनिज्म में डालने वाले हैं तो जब मैं अपना जियो इसके साथ अटैच करूंगी तो वो भी रेप्लीकेट हो पाएगा है ना उसकी भी कॉपीज बन जाएंगी इसके बाद और क्या फायदा है मुझे इसका हाई कॉपी नंबर होता है हाई कॉपी नंबर तो ये रिप्लीकेशन ऐसा नहीं होता कि एक या दो बार एप्लीकेट किया और खत्म ये हंड्रेड्स ऑफ कॉपी बना सकते हैं तो अगर हंड्रेड्स ऑफ कॉपी बनाएंगे तो मेरे जी आई की भी तो हंड्रेड ऑफ कॉपी हो जाएगी ओके okay. अब नेक्स्ट आपसे इसमें थर्ड क्वेश्चन और पूछा गया है तीनों एक एक मार्क्स के हैं तो आपको उतना ही एक्सप्लेन करना होता है ठीक है ज़्यादा भी नहीं लिखना है कम भी नहीं लिखना है राइट द टू कैरेक्टरिस्टिक्स द इंजीनियर वैक्टर्स आर मेड अप यानी कि जब आप किसी वेक्टर को इंजीनियर फैक्टर बनाते हो यानी कि उसमें कुछ चेंजेस करते हो तो आप क्या क्या चेंजेस करते हो तो सबसे पहली चीज़ मैं सेलेक्टेबल मार्कर डेवलप कर दिए हमने सेलेक्टेबल मार्कर यानी कि अगर मेरा प्लाज्मा किसी बैक्टीरिया में गया है तो मुझे देख के पता चल जाए मुझे उस बैक्टीरिया को ग्राइंड करके और उसमें से प्लाज्मा डिटेक्ट करना पड़ेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है तो सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी हो सकते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो क्या करते हैं जो ये काम करते हैं कि भाई सिलेक्टेबल मार्कर ये काम करेंगे कि किसके अंदर मेरा गया है यानी कि रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉमेंट्स में भेद कर देंगे यानी कि उनको डिफ्रेंशिएट कर देंगे ओके okay. इसके अलावा एक चीज और मैं मॉडिफाई कर सकती हूँ कि ये इजी लिंक हो जाए मैं ऐसे सीक्वेंसेस बना सकती हूँ कि ये इजी लिंकिंग हो जाए किसकी जी ओ आई की विद वेक्टर वेक्टर के साथ में सॉरी को के साथ में जोड़ना है तो अगर आपको इन दोनों को जोड़ना है तो इनकी इजी लिंकिंग के लिए इनकी सीक्वेंसिंग जो होनी चाहिए वो थोड़ी सी कंपेटेबल होनी चाहिए सो so आपको ये ये चेंजेस करने होते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सप्लेन द डिफरेंट बिटवीन इंटरेक्शन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल फॉर ईच तो बेसिकली यहाँ पर कमेंशलिज्म पूछा जा रहा है कमेंशलिज्म एंड म्यूचुअलिज्म क्या होता है ओके एंड उनके टाइप ऑफ इंटरेक्शन क्या है तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पीशीज इंटरेक्शन की किसकी बात कर रहे हैं स्पीशीज इंटरेक्शन स्पीशीज इंटरेक्शन क्या होते हैं स्पीशीज इंटरेक्शन यानी कि कोई दो स्पीशीज आपस में रह रही हैं तो इन दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है या एक को फायदा हो रहा है और एक को नुकसान हो रहा है एक को फायदा और एक को कुछ नहीं हो रहा दोनों साथ में रह रही हैं तो फाय क्या हो क्या रहा है कंडीशन क्या हो रही है या दोनों को नुकसान हो रहा है तो रह क्यों रही है साथ में ठीक है तो नेचर के अंदर इस टाइप के इंट्रैक्शन देखने को मिलते हैं इसको हम इस डायग्राम से बहुत इजीली समझ सकते हैं तो यहाँ पर इंटरेक्शन है कि दोनों स्पीशीज़ एक ब्लू स्पीशीज़ और एक ग्रीन स्पीशीज ओके दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं दोनों को एक दूसरे से क्या हो रहा है बेटा बेनिफिट हो रहा है तो इस टाइप के इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं म्यूचुअलिज्म बोलते हैं जब दोनों तरह के इंटरेक्शन्स में फ़ायदा होता हो दोनों स्पीशीज़ को तो उसको क्या बोलेंगे आप म्यूचुअलिज्म म्यूचुअल है भैया दोनों एक दूसरे से सहमत हैं तो क्लोम फिश एंड सी एनमोन दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं सपोर्ट करते हैं तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ये और ये घर प्रोवाइड करता है और ये खाना प्रोवाइड करती है ठीक है जी नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर आप एक एग्ज़ाम्पल और ले सकते हो क्या ले सकते हो एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं बहुत कॉमन एग्जाम्पल है लाइकेन ओके okay? या माइक्रोराइजा अगर आपको नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में पूछें मुझसे लाइकेन एंड क्या होते हैं ओके नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कमेंसलिज्म कमेंसलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें कि बेनिफिट होता है एक स्पीशीज को और दूसरे स्पीशीज को कुछ होता ही नहीं मतलब ना फायदा ना नुकसान तो फिर साथ क्यों रह रहे हैं सिर्फ एक की वजह से क्योंकि उसको बेनिफिट है ठीक है जी सो so, इसमें बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल एक ऑर्किड होता है ऑर्किड ऑन मैंगो ट्री ठीक है तो मैंगो ट्री को कोई नुकसान नहीं होता ऑर्किड को उससे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं ठीक है क्योंकि ऑर्किड ऊपर हवा में से एब्सॉर्ब uh, करता है वाटर uh, सो so, वहां पर वो सिर्फ मैंगो पे रहता है और कुछ वहां से काम नहीं लेता कुछ उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता सिर्फ वहां पर रह रहा है और उससे मैंगो ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा सिमिलरली वेल ब्रैंकल्स होते हैं ब्रैंकल्स एक तरह के सी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि वेल के ऊपर अटैच रहते हैं वेल कुछ भी खाती है तो उसके टुकड़े वहां तक जाते हैं और वो खा लेते हैं या फिर एक और एग्जाम्पल दे सकते हो आप एयरगेट एयरगेट ऑन कैटल कैटल के ऊपर आपने कई बार देखा होगा वो एक बर्ड बैठी रहती है तो वो क्या करती है उसके uh, पीठ पे पाए जाने वाले कीड़े मकोड़े खाती रहती है कैटल को कोई नुकसान नहीं है एयरगेट से ठीक है जी सो so, इसी तरह का एक और होता है देखो पैरासिटिज्म जिसमें क्या होता है एक पैरासाइट होता है जो कि एक होस्ट पर रह रहा है उस होस्ट को नुकसान हो रहा है बेटा देखो एक को हार्म हो रहा है और एक को बेनिफिट तो इसको बोलते हैं आप पैरासिटिज्म तो आइडेंटिफाई कीजिए आपका आपके दोस्तों के साथ में किस टाइप का रिलेशन है चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं कल की वीडियो में क्वेश्चन नंबर टू सॉरी ट्वेंटी टू से स्टार्ट करेंगे और इस पेपर को ख़त्म कर देंगे ओके सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल बाय बाय